इंदिरा गांधी की हत्या होती, राजीव गांधी की होती, वो रिहा हो जाते हैं। मत रखिए प्लीज। क्यों भाई राजुआना और वर्गो भल्लर साहब रिहा क्यों नहीं हो सकते? सर ये कांग्रेस सरकार, ये भावनाएं क्या चाहे, इनकी माँ तो इंदिरा गांधी है, इनकी माँ तो इंदिरा गांधी है और इनकी भावनाएं तो अकाल तख्त के हमले के साथ इंदिरा गांधी के साथ जुड़ी हुई है। कांग्रेस की सरकार में हमारे धार्मिक स्थान श्री हरमंदिर साहब को टैंकों तोपों के साथ वहाँ पे हमला किया था, तो उस समय हमारे कुछ सिख भाई अपने भावनाओं में भेगे उन्होंने ऐसे कदम उठा लिए थे। सब बलवंत सिंह राजुआना 27 साल से जेल में बंद है सर, 27 साल पहली बारी एक घंटे का उनको परोल मिला अपने पिता के अंतिम संस्कार के जाने के लिए फरवरी के महीने में। समय सरकार का ध्यान उन बंदी सिखों की तरफ करना चाहती हूँ जिन्होंने पिछले 25-30 साल से अपनी सजा पूरे करने के बावजूद अभी तक वो जेलों में कैद है। सर 1984 में जब ये कांग्रेस की सरकार ने हमारे धार्मिक स्थान श्री हरमंदिर साहब को टैंकों तोपों के साथ वहाँ पे हमला किया था, तो उस समय हमारे कुछ सिख भाई अपने भावनाओं में भेगे उन्होंने ऐसे कदम उठा लिए थे जिस करके उन्हें सजा हुई। सर वो उनकी सजा पूरी होके क्या दुगनी सजा हो गई है, लेकिन अब भी उन्हें रिहाई नहीं मिली है। गुरु नानक देव जी के 550 साल के जन्मदिन पे 2019 में इस सरकार ने ऐसे 8 सिखों को रिहाई के लिए स्पेशल रिमिशन के लिए उन्हें कहा था और एक जिनको फांसी की सजा थी उनको उम्र कैद में गुरु उनको उम्र कैद में बदलने के लिए कहा था। सर 2019 निकल गया, 2021-20 निकल गया, 21 निकल गया और 22 का गुरुपुरब आने वाला है। मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रोफेसर भुल्लर जैसे जो ना मानसिक मेंटल या फिजिकल हालात में नहीं है कि वो अपनी देखभाल भी कर सकते हैं, लेकिन अब भी उनको जेल में 27 साल तक उनको बंद किया जब उनकी सजा पूरी हो गई है। सर उनके केजरीवाल आम आदमी की सरकार पंजाब में वादे करती है लेकिन यहाँ उनकी कैद रोक के रखती है, उनको कैद उनको फ्री नहीं करती है, उनके मंत्री उनको रोक के रखते हैं। सब बलवंत सिंह राजुआना 27 साल से जेल में बंद है सर, 27 साल पहली बारी एक घंटे का उनको परोल मिला अपने पिता के अंतिम संस्कार के जाने के लिए फरवरी के महीने में। सर इस सरकार में 2019 में उनकी फांसी की सजा तोड़ के उम्र कैद बनाई थी, अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सरकार जवाब दे। मैं पूछना चाहती हूँ कि इनको उम्र कैद करके इनको रिहा कब किया जाएगा? खैरा साहब जिन 30 साल से जेल में बंद है सर, ये कांग्रेस सरकार, ये भावनाएं क्या चाहे, इनकी माँ तो इंदिरा गांधी है, इनकी माँ तो इंदिरा गांधी है और इनकी भावनाएं तो अकाल तख्त के हमले के साथ इंदिरा गांधी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन सिख कौम की भावनाएं उन बंदी सिखों के साथ जुड़ी हुई है जो 30-30 साल से काल कोठरी में बंद है। इंदिरा गांधी की हत्या होती, राजीव गांधी की होती, वो रिहा हो जाते हैं। मत रखिए प्लीज। क्यों भाई राजुआना और वर्गो भल्लर साहब रिहा क्यों नहीं हो सकते? ये सरकार जवाब दे कि उनको जल्द से जल्द रिहा करेगी कि नहीं, और जितने बंदी सिख हमारे सिख भाई जितने बंदी जिन्होंने सजा पूरी कर ली है क्या फंडामेंटल राइट्स उनको अप्लाई नहीं करते हैं? अजय निंबालकर जी उन्हें ये राइट टू लाइफ देती है।